नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 5F करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से आज हम लोग करने जा रहे हैं, जिसे क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों को ये दिया गया है, इसका स्क्वायर रूट हम लोगों को निकालना है। तो देखिए, इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, जैसे 7 - 30 रूट अंडर माइनस 2 दिया है, तो रूट अंडर माइनस 2 को हम लोग पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जैसे इसको हम लिख सकते हैं 7 - 30, इसको लिख सकते हैं 2 - -1 लिख सकते हैं, रूट माइनस 2 है तो इसको हम लोग 2 - -1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग रूट में लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं 7 - 30 रूट अंडर 2 * रूट अंडर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये हो जाएगा 7 - 30 रूट अंडर 2 और रूट अंडर -1 को हम लोग आई लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेकिन लेट रूट अंडर 7 - 30 रूट अंडर 2 i इक्वल टू x - iy, क्योंकि आयोटा का साइन यहाँ पर निगेटिव है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, तो हम लोग को हो जाएगा 7 - 30 रूट अंडर 2 i का होल स्क्वायर इक्वल टू x - iy का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर से यहाँ पे रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 - 30 रूट अंडर 2 i इक्वल टू, इसको a - b के फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a² - 2ab + b² हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये हो जाएगा 7 - 30 रूट अंडर 2 i इक्वल टू x² - 2xiy + iy का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा i² y² हो जाएगा। ठीक है, i² y² हो जाएगा, इसका हम लोग सॉल्व कर दिया, हो जाएगा 7 - 30 रूट अंडर 2 i इक्वल टू x² - 2xiy, आई स्क्वायर का वैल्यू था -1, पीछे प्लस है, हो जाएगा -y² हो जाएगा। और लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे, देखिए रियल पार्ट यहाँ पे x² - y² इक्वल टू यहाँ पे कितना, 7, रियल पार्ट हो गया क्या जिसमें आई नहीं रहता है, तो ये हो जाएगा हम लोगों को x² - y² इक्वल टू हो जाएगा 7, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। एंड इमेजिनरी पार्ट जिसमें आई रहता है, तो आई का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है, -2xy इक्वल टू यहाँ पे है -30 रूट अंडर 2 है, माइनस है माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हम लोगों को हो गया 2xy इक्वल टू हो जाएगा 30 रूट अंडर 2, ये इक्वेशन हम लोगों को 2 हो जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे कि वी नो दैट, एक आइडेंटिटी हम लोग ध्यान रखेंगे कि x² + y² इक्वल टू होता है x² - y² का होल स्क्वायर होता है प्लस 4x² y² होता है, 4x² y² को हम लोग 2xy का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे आगे हम लोग सॉल्व करते हो जाएगा x² + y² इक्वल टू x² - y² का वैल्यू हम लोगों को है 7, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2xy का होल स्क्वायर, तो 2xy की जगह कितना 30√2 है, तो ये हो जाएगा 30√2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x² + y² इक्वल टू, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस, इसका स्क्वायर करेंगे 30 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 900, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 900 * 2 कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1849,
अब इसका रूट हम लोग देखेंगे कितना होता है। तो देखिए 1849 होता है 43 का स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको हम रूट करेंगे तो 43 हो जाएगा। तो ये फाइनली हो गया हम लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 43। ये इक्वेशन हो जाएगा हम लोगों को, 3 हो जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू है हम लोगों को 7 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू है 43 है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हम लोगों को 2x² इक्वल टू हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 50 अपॉन 2 25 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू यदि 25 हो गया, एक्स स्क्वायर का वैल्यू यदि 25 हो गया तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर 25 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाएगा तो प्लस माइनस रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर एक्स का वैल्यू हम लोगों को हो जाएगा प्लस माइनस 5 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, प्लस माइनस 5 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यदि एक्स का वैल्यू यदि किसी भी इक्वेशन में रखते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का ही वैल्यू रखते हैं इक्वेशन 1 में। लिखेंगे कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 1, यह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 7 है। एक्स स्क्वायर की जगह पर हम लोग रखेंगे यहाँ पे कितना, 25 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 7, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप ये 25, इसको प्लस 7 को इधर लाएंगे तो माइनस 7 इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो 18 इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को वाई स्क्वायर। तो देयरफॉर वाई इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 18, ठीक है। तो y इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट 18 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं। तो y का वैल्यू प्लस माइनस 3√2 हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे जब x और y का वैल्यू निकल जाएगा उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक्स वाई का साइन पॉजिटिव है कि निगेटिव है। देखिए यहाँ पे एक्स वाई का साइन हम लोगों क्या है, पॉजिटिव आया हुआ है। देखिए यहाँ पे यदि 2xy=30√2 है तो एक्स वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, पॉजिटिव 15√2 आ जाएगा। तो एक्स वाई का साइन यहाँ पे पॉजिटिव है। तो जब एक्स वाई का साइन यदि पॉजिटिव होगा तो एक्स एंड वाई का साइन जो होगा, एक्स एंड वाई का साइन क्या होगा, पॉजिटिव सेम साइन होगा। यहाँ पे यदि एक्स पॉजिटिव होगा तो वाई पॉजिटिव, यदि वाई एक्स नेगेटिव हो जाएगा तो वाई नेगेटिव हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, देखिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पे सिंस सिंस साइन ऑफ एक्स वाई इज पॉजिटिव देयरफॉर एक्स एंड y हैव सेम साइन, देयरफॉर x एंड y हैव सेम साइन। इट मीन्स x का वैल्यू यदि हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तो y का वैल्यू भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और यदि x का वैल्यू यदि हम लोग निगेटिव लेते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे देयरफॉर स्क्वायर रूट्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, हम किसको लेट किए थे यहाँ पे देखिए, 2√7 माइनस 30√2y इसको कन्वर्ट किए हुए थे। इसको लेट किए थे x माइनस आई वाई। देखिए x के जगह हम रखते हैं कितना, 5 माइनस वाई आई है या आई वाई का ही है, तो वाई का वैल्यू हम लोग रख देंगे यहाँ पर 3√2 आई, एक आंसर ये हो जाएगा। और एक्स का वैल्यू कितना है, माइनस 5 माइनस वाई कितना है, माइनस 3√2, तो आई लगा देंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा हम लोगों को 5 माइनस 3√2 आई और माइनस 5 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3√2i हो जाएगा। तो ये दोस्तों इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कहीं डाउट हो दोस्तों तो कमेंट जरिए पूछ भी सकते हैं, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है, रूट माइनस एट आई दिया गया है, ठीक है। इसमें तो रियल पार्ट है ही नहीं, तो इसमें लेट कर लेंगे रियल पार्ट को, कि यहाँ पे क्या है, जीरो है, माइनस एट आई है, रियल पार्ट नहीं, तो उसकी जगह पर जीरो रख दिए, ठीक है। इसको लेट कर लेंगे कि लेट रूट अंडर जीरो माइनस एट आई इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई लेट कर लिए, क्योंकि यहाँ पर एटा का साइन नेगेटिव है। इसके बाद लिखेंगे हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, तो ये हम लोग को हो जाएगा जीरो माइनस एट आई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर से यहाँ पे रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया जीरो माइनस एट आई इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, माइनस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए जीरो माइनस एट आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स आई वाई प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो माइनस एट आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स आई वाई माइनस, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन होता है, पीछे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर। अब लोग यहाँ पर लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। नाउ इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो ये हो जाएगा हम लोगों को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा जीरो, ये इक्वेशन वन हो जाएगा। एंड इमेजिनरी पार्ट का मतलब जिसमें आई रहे, तो यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट हम लोग लिखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस एट हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों को टू एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा एट, ये इक्वेशन हो जाएगा हम लोगों को टू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए एक आइडेंटिटी हम लोग याद रखेंगे कि वी नो दैट कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, तो इसमें लिख सकते हैं टू एक्स वाई का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है जीरो का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस टू एक्स वाई है एट, तो एट का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 64, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। अब इससे आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एट, ये इक्वेशन हो जाएगा थ्री हो जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड थ्री, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड थ्री, तो यहाँ पे हम लोगों को पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू है जीरो, इसका थर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 64, ठीक है। देखिए इसे आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, देखिए सेकंड इक्वेशन में 64 नहीं है, यहाँ पे क्या है 8 आया हुआ है, देखिए सॉरी यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, थर्ड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है यहाँ पे 8 है, ठीक है। इसको ऐड करेंगे ये हो जाएगा हम लोगों को टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एट, ठीक है। देखिए थर्ड इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एट है, यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एट, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हम लोग कितना हो जाएगा 8 अपॉन 2, 4 हो जाएगा, ठीक है।
एक्स स्क्वायर का वैल्यू यदि 4 आ गया तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, प्लस माइनस रूट अंडर 4 हो जाएगा। तो देयर फॉर एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, प्लस माइनस 2 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन एक्स का वैल्यू यदि हम लोग रखते हैं, वैल्यू यदि एक्स का वैल्यू इसमें रखेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रखना पड़ेगा, तो उससे बेटर है कि हम लोग एक्स स्क्वायर का ही वैल्यू रखते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह अपन 4 इसमें रख देते हैं, लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 1। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, तो 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो 4 इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 4 हो जाएगा। तो दैट इज वाई का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस कितना हो गया, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स का भी वैल्यू प्लस माइनस 2 और वाई का वैल्यू भी कितना हो गया, प्लस माइनस 2 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक्स वाई का साइन क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो देखिए यहाँ पे एक्स वाई का साइन जो है सो मतलब पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो देन एक्स एंड वाई हैव सेम साइन। देखिए इसे आगे हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए लिखेंगे हम लोग इसके बाद कि सिंस सिंस साइन ऑफ एक्स वाई इज पॉजिटिव, देयरफॉर एक्स एंड वाई हैव सेम साइन। इट मीन्स एक्स का वैल्यू यदि हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तो वाई का वैल्यू भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और एक्स का वैल्यू यदि निगेटिव लेते हैं तो वाई का वैल्यू भी निगेटिव हम लोग रखेंगे। लेकिन देयर फोर स्क्वायर रूट्स ऑफ रूट अंडर माइनस 8i इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई हम लोग लेट किए हुए थे, वैल्यू रख देंगे तो हो जाए एक्स माइनस वाई, तो एक आंसर ये हो जाएगा। और दूसरा आंसर हो जाएगा हम लोगों को एक्स माइनस वाई, वाई यहाँ पे क्या है, निगेटिव है ये आई, देयरफॉर इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया 2 माइनस 2i, और माइनस 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2i, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग ये दिया गया है रूट अंडर 1 माइनस i, इसको लेट कर लेंगे कि लेट रूट अंडर 1 माइनस i इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। एक्स माइनस आई वाई इसलिए लिए हैं क्योंकि आयोटा का साइन क्या है, यहाँ पे नेगेटिव में है। इसके बाद लिखेंगे हम लोग यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, ये हो जाएगा हम लोगों को रूट अंडर 1 माइनस i का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से यहाँ पे रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस i इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू x इंटू आई वाई प्लस बी स्क्वायर, तो b के जगह कितना है आई वाई है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी से आगे हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस i इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xiy प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में यह हो जाएगा 1 माइनस i इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xiy माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। माइनस इसलिए क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 होता है, पीछे प्लस है कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद लिखेंगे कि नाउ इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, नाउ इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इसके बाद हम लोगों को हो जाएगा यहाँ पे देखिए रियल पार्ट यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। एंड इमेजिनरी पार्ट में हो जाएगा देखिए आई का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है, माइनस 2xy, तो ये हो जाएगा माइनस 2xy इक्वल टू हो जाएगा माइनस
वन हो जाएगा, ये माइनस है माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पाई के पीछे में कुछ नहीं है तो यहाँ पे वन है, तो यहाँ पे हो जाएगा फाइनली टू एक्स वाई का जो वैल्यू है वन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन क्या करेंगे, सेकेंड लेट कर लेंगे। इसके बाद लिखेंगे हम लोग, वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक आइडेंटिटी याद रखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है तो ये हो जाएगा टू एक्स वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देयर फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यह वन है तो वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो फाइनली ये हो जाएगा रूट अंडर टू। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को निकल गया रूट अंडर टू, ये इक्वेशन थ्री हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वन एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड थ्री वी गेट, तो ये हो जाएगा हम लोगों को कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट टू, तो ऐड करेंगे तो ये से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वन प्लस रूट अंडर टू, इसको ऐड करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वन प्लस रूट अंडर टू हो जाएगा, वन प्लस रूट अंडर टू। तो देखिए यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम लोग कितना हो जाएगा, वन प्लस रूट अंडर टू अपॉन टू हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर वन अपॉन वन प्लस रूट अंडर टू अपॉन में टू हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक्स का वैल्यू आ गया प्लस माइनस रूट अंडर वन प्लस रूट टू अपॉन टू हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या आता है इससे आगे, लिखेंगे नाउ पुटिंग, लिखेंगे हम लोग नाउ पुटिंग, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन वन वी गेट। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू तो वन है, एक्स स्क्वायर की जगह पर हम वैल्यू रखेंगे वन प्लस रूट अंडर टू अपॉन टू हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। इससे आगे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा वन प्लस रूट अंडर टू अपॉन टू, प्लस वन को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस वन इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा वन प्लस रूट टू माइनस टू अपॉन टू इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वन में से पहले पॉजिटिव वाले को लिख देते हैं यहाँ पे रूट अंडर टू माइनस वन, क्योंकि वन माइनस टू गया तो माइनस वन हो जाएगा, अपॉन टू इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को वाई स्क्वायर। देयरफॉर वाई का यदि हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर टू माइनस वन अपॉन क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, समझ रहे हैं, रूट टू माइनस यहाँ पर रूट छूट गया रूट टू हो जाएगा, रूट टू माइनस क्योंकि स्क्वायर यहाँ से हटाएं तो प्लस माइनस इस पर रूट आ जाएगा, इतना आ जाएगा वाई का वैल्यू। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक्स वाई का जो साइन है पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स वाई का साइन इक्वेशन टू में पॉजिटिव आया हुआ है, टू एक्स वाई इक्वल टू वन आया है, यहाँ पर लिखेंगे सिंस साइन ऑफ एक्स वाई इज पॉजिटिव देयरफॉर एक्स एंड वाई हैव सेम साइन, इट मीन्स एक्स का वैल्यू यदि हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तो ये वन प्लस रूट टू अपॉन टू है, तो वाई का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में लेना पड़ेगा रूट टू माइनस वन अपॉन टू हो जाएगा। ठीक है, और एक्स का वैल्यू यदि निगेटिव लेते हैं, निगेटिव मीन्स हो जाएगा यहाँ पे देखिए माइनस ऑफ
कितना, वन माइनस रूट टू, वन माइनस रूट अंडर टू अपॉन में टू, तो y इक्वल टू हो जाएगा हम लोग, कितना ये x का वैल्यू है तो y का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ, y का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ रूट अंडर रूट टू माइनस वन अपॉन टू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देयर फोर स्क्वायर रूट्स ऑफ रूट अंडर वन माइनस आई इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, इसका वैल्यू रखिए, तो एक्स का वैल्यू है वन रूट अंडर वन प्लस रूट अंडर टू अपॉन में टू माइनस वाई, वाई आई है आई वाई, तो वाई है यहाँ पे कितना रूट अंडर टू माइनस वन अपॉन टू, इसका रूट अंडर रहेगा, तो एक आंसर हम लोग का ये हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा आंसर हो जाएगा हम लोग, और एक्स का वैल्यू माइनस में रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा हम लोगों को कितना, देखिए यहाँ पे माइनस, इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर टू, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस वन माइनस रूट अंडर टू अपॉन टू, और ये हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये रूट टू माइनस वन अपॉन टू, और ये हो जाएगा आई हो जाएगा। तो ये दोस्तों इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और कहीं डाउट हो दोस्तों तो आप लोग कमेंट जरिए पूछ भी सकते हैं। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। इस तरह से हम लोगों का ये आज एक्सरसाइज 5F कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।